इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से खेला, न्यूजीलैंड से खेला, पाकिस्तान से खेला, श्रीलंका से खेला, अफगानिस्तान से खेला, साउथ अफ्रीका से खेला, इंग्लैंड से खेला, लेकिन इन तमाम मैचों में टीम इंडिया के फैंस शुरुआत के एक दो मैचेस के बाद एक्साइटेड इस बात को लेकर ज्यादा थे कि बाबू बेस्ट फील्डिंग का अवार्ड जो है वो कौन से नए तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि मैच तो सारा हम एक्साइटेड जीत रहे थे, वन साइडेड मैच, कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी, हर टीम को हमने जलील करके बेइज्जत करके हरा दिया। एक्साइटमेंट इस बात को लेकर हो रही थी कि यार वो जो पोस्ट मैच हमें हमारे खिलाड़ियों को मेडल मिलता है जिसमें बेस्ट फील्डिंग एफर्ट्स के लिए अवार्ड दिया था, जिसके लिए जडेजा ने कभी अपने कोच से कहा कि मैं श्रेयस अय्यर ने कहा मैं केएल राहुल का वही क्यूट वाला वीडियो वायरल हो रहा है, वो तमाम वीडियोस को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट रही क्योंकि उसके लिए प्लानिंग मुझे लग रहा ज्यादा की गई थी बनस्पत इसके कि सामने वाली टीम हारी कैसे, क्योंकि इंडिया का डोमिनेंस इस वक्त सराखों पर चढ़ रहा है। इस मैच में रोहित शर्मा को बिना कैच पकड़े बेस्ट फील्डिंग का अवार्ड दिया गया, तो वो भी अपने आप में एक नई क्यूरियोसिटी थी कि बाबू ये कैसे हुआ। हालांकि जो इनके कोच हैं, फील्डिंग कोच टी दिलीप साहब, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को बिना कैच पकड़े हमने बेस्ट फील्डर का अवार्ड इसलिए दिया है उनके टैक्टिकल अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि रोहित ने इस मैच में जिस तरह से कप्तानी की, जिस तरह से डिसीजन लिए वो कमाल थे, और उन कमाल के फैसलों का असर यह था कि टीम इंडिया ने डोमिनेट करते हुए साउथ अफ्रीका को एक तरफा मुकाम। वैसे फील्डिंग और बॉलिंग कोच की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई है, वो ये कहा गया है कि चाहे जो टीम आएगी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, चाहे जो आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, हम सेमीफाइनल और फाइनल जीत रहे हैं। और इसके पीछे उन्होंने बहुत सारे लॉजिक देखा है, जो आएगा हम लोग कूट देंगे, सिंपल फंडा है, हम डोमिनेट कर जाते हैं हर डिपार्टमेंट में और हमको घंटा फर्क पड़ता है कौन सी टीम आ रही है, कहां स्किल क्या है, लोग आपस में लड़े मरे, हमारे पास जब आएंगे तो हम उन्हें हराएंगे, एक तरफा हराएंगे और हरा के वापस भेज देंगे, हम फाइनल जाएंगे, फाइनल जीत कर। हालांकि आपको ये भी जानकारी बता दें कि इंडिया अगर पाकिस्तान से मुकाबला करती है तो ये मुकाबला जो है ये होगा आपका कोलकाता में, अगर संभवता न्यूजीलैंड से हुआ तो ऐसा हो सकता है कि मुकाबला हो जाए मुंबई में, तो ये एक नई कहानी है। मुंबई में इसलिए हो सकता है क्योंकि मुंबई में मैच डिसाइडेड है, लेकिन कोलकाता में इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोलकाता में कहा जा रहा है कि मुंबई में पाकिस्तान टीम को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान टीम इतनी दुखी है कि उनको कहीं निकलने नहीं दिया था, कोविड वाली फीलिंग आ रही है, सिक्योरिटी पर्पस के इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन इस मैच में कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर ले गया तो फिर ये मैच मुंबई में नहीं होगा, मुंबई में होगा तो यार ज्यादा हमारी ऐश है, सूर्य कुमार यादव, ताबड़तोड़ पारी, वानखेड़े, यार वानखेड़े में हमारा रिकॉर्ड अलग है यार, मतलब इन वानखेड़े अहमदाबाद में हम अलग लेवल पे हैं और यहां दोनों जगह मैचेस होंगे फाइनल से फाइनल, तो हमको लगता है यार इंडिया जीतेगी, तरफा जीतेगी। खैर जीतेगी इसलिए भी क्योंकि हमारे बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे हैं और यही बात हमारे कोचेस कह रहे हैं कि यार रोहित शर्मा की रोहित शर्मा ने 8 मैच खेले हैं जिसमें पावर हिटिंग की कहानी है कि 265 रन ठोक दिए, भाई साहब ने 203 बॉल खेली, 88 का उनका एवरेज है और 130 का स्ट्राइक रेट है वनडे में, और 31 चौके 16 छक्के मारे हैं जो अपने आप में तबाही मचाने के लिए काफी। ऐसे विराट बाबू का, विराट बाबू तो बड़े मैचेस के लगता है पैदा हुए थे, एशिया कप में 2022 सबसे ज्यादा रन विराट कोहली, T20 वर्ल्ड कप 2022 सबसे ज्यादा रन विराट कोहली, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2022 सबसे ज्यादा रन विराट कोहली, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन विराट कोहली, और अब वर्ल्ड कप 2023 विराट कोहली। उसके बाद विराट जब 2-4 मैच फ्लॉप होते तो लोग कहते हैं विराट फ्लॉप हो गया, उसका रीजन ये पैरामीटर इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि क्या कहा जाए। लेकिन इंडिया के डोमिनेंस को लेकर कोच की तरफ से कहा गया कि यार हमारी टीम जो है वो अच्छी है और लगातार प्लानिंग कर रही है। विक्रम राठौड़ की तरफ से कहा गया कि नई बॉल से रोहित ने एक नया आइडिया निकाला है कि शुरू में आके हिट कर देंगे, तो अब पाकिस्तान आएगी तो भी हम मारेंगे, न्यूजीलैंड आएगी तो भी मारेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है पावर प्ले में आधा मैच खत्म कर दो, रोहित या विराट में कोई एक आके तेज खेल दो, जबरदस्त तरीके से रन बनाओ, जिसके बाद विराट, रोहित या श्रेयस में से, उसके बाद विराट और श्रेयस को मौका मिले, उन्हें मौका देके खेलने दो, कोशिश करो कि वो लंबा गेम लेकर जाएं, और उसके बाद कोशिश करनी है कि विराट, श्रेयस, राहुल लंबा खींचेंगे, इनमें से एक आदमी टिकेगा जो आखिर तक ले जाएगा, और आखिर वाले का साथ जडेजा और सूर्य कुमार यादव निभाएंगे जो मैच को फिनिश करके ताबड़तोड़। बाकी उन्होंने कहा यार गेंदबाजों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, गेंदबाजों को लेकर तो दुनिया जानती कि हमारे गेंदबाज क्या कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप हो या न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप हो, दोनों बैटिंग लाइनअप को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि
है यार हमारी टीम में दम। और एक्चुअली जो विक्रम राठौड़ कह रहे हैं वो बात स्टैट्स में सही भी साबित होती है। आप मोहम्मद सिराज को देखो, सिराज 10 विकेट निकाल चुके हैं इस वर्ल्ड कप में और उनकी गेंद अब बीते दो मैचेस से बहुत ज्यादा अच्छी आने लगी है। मतलब शुरुआत के 3-4 मैचेस वो फ्लॉप थे, लेकिन बीते दो मैच में जिस तरह का रिदम उन्होंने पाया और जिस तरह से गेंद उनकी अंदर बाहर लहराने लगी है, ये उनकी क्वालिटी को डिफाइन करती है। और एक अच्छा मैच, एक मैच जहां पर वो 5 विकेट 4 विकेट निकालेंगे, वो आपको टॉप बॉलर्स की लिस्ट में दिख जाएंगे। कुलदीप यादव जिन्हें बचा कुचा खाने को मिलता है, वो 12 विकेट निकाल चुके हैं, उनको बेचारे को ओवर ही नहीं मिलता, 7 विकेट 8 विकेट गिर जाते 2-3 मैच से, तब भी जैसे तैसे उन्होंने 12 विकेट निकाल दिए हैं। एक भी मैच अगर उन्हें शुरू में मौका मिला जैसे जडेजा को मिला था, सो वो भी कह हटा देंगे। रविंद्र जडेजा जिन्हें पिछले मैच में मौका दिया गया था, 5 विकेट निकाले थे और उनका भी कहर जबरदस्त तरीके से था, 14 विकेट कुल मिलाकर उनके हो गए, वो भी कमाल के बॉलर हैं। जसप्रीत बुमराह हम सब जानते हैं वर्ल्ड क्लास क्या लेवल उनका है, 15 विकेट वो निकाल चुके हैं। और मोहम्मद शमी जिन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले हैं 16 विकेट निकाले। सो आई थिंक जो बात वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन हमें लगा हम आप लोग से पूछते हैं कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान इन दोनों में कौन सी टीम है जिससे आपको लगता है थोड़ा टेंशन हो सकता है। हमको लगता है न्यूजीलैंड अगर हमें मुंबई में मिलेगी तो हम आसानी से पीट देंगे। कोलकाता थोड़ा ट्रिकी है।